मकासिन सर, जो आज पैदल हज यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए हैं, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए? साधन कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग। अच्छा, आपका सफर किस तरीके से आगे का तय होने वाला सर? मेरा रास्ता राजस्थान जाना। राजस्थान? राजस्थान से होते आप किधर निकलेंगे? जोधपुर। तो सर, आपने बीते पल से प्लानिंग करी थी इसकी, या फिर आपके दिमाग में एकदम मेरे एकदम दिमाग में मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल ने गवाह दिया, अल्लाह ने हुक्म करा, अब मैं तो निकल पड़ा। आपका प्लेन अभी कहाँ तक जाओगे? मुझे पता नहीं था, जब पे साले। अरे अरे, सुनिए तो कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो। हज पर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस जगह से? हम ये लखनऊ से चले हैं अभी, आज पे अभी निकले हैं, थोड़ी देर हुई 15 मिनट, तो इंशाल्लाह आगे जाना है आज। आप लखनऊ में किस जगह से हैं? जी, हम लखनऊ में राजेपुरम अमीनाबाद, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ जी, वहीं पर एक राजेपुरम इलाके, वहीं से चल रहे अभी हम। आप पूरी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी मतलब किस चीज़ की तैयारी? पासपोर्ट वीज़ा वीज़ा सब आपका ओके? अरे पासपोर्ट वीज़ा ओके, अल्लाह की राह में निकले इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी, पासपोर्ट वीज़े की क्या बात है। शिहाब भाई ने तो हर एक चीज़ ओके कर रखी है, तब निकले हैं, पासपोर्ट वीज़ा वीज़ा सब। तो आप वो शिहाब भाई को आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह मालदार थे, उन्होंने जो ना पैसा खर्च किया, हम गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ पैसा है, इसलिए हम पैदल निकले हैं। वैसे इंशाल्लाह निकलेंगे तो अल्लाह ताला की राह में निकलो तो अल्लाह ताला खुद जो है ना जरिया बना देता है किसी न किसी चीज़ के जरिए। शिहाब भाई तो एक दिन में 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कितना चलेंगे? हम इंशाल्लाह चलेंगे, कोशिश करेंगे, हमने तो प्रैक्टिस नहीं की है, हम वैसे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक दिन में 40 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माफ़ी चाहूँगा, ये जो मैंने चीज़ करी, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मैं कोई हज पे नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने एक उन लोगों के लिए वीडियो शूट करी है जो लोग पैदल हज को मजाक बना करके रखे हैं। आप आज देख रहे हैं कि हमारे शिहाब भाई जिस तरीके से पैदल हज पर निकले हैं, उन्होंने माशाल्लाह कितना पैसा खर्च किया है, उनकी ये मुराद रही होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में पैदल हज पर जाएंगे, और उनकी इस चीज़ को उन्होंने एक साल पूरे प्रैक्टिस की है पैदल चलने की, तब वो आज जा करके एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल वो आज चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखा कि कई मतलब शहरों से लोग पैदल जा रहे हैं, उसको मजाक बना करके रखा, किसी से पूछा जा रहा है, वो कह रहा मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, कह रहा आगे से जाएंगे, आगे हम जा रहे हैं, पीछे पीछे पासपोर्ट वीज़ा आ जाएगा, और कोई ऐसा शख्स है कि मतलब जिसको से बात करने का ढंग भी नहीं है, मुंह में पान रखे हुए हैं, लेकिन वो भी हज पे निकल पड़े। तो कहने का मतलब ये कि हज को एक जो है ना मजाक के बना करके रख दिया गया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करी है ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन लोगों को समझ मिल जाए कि जो है ना इस चीज़ को मजाक में मत ले, और इससे हमारे माहौल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, और इससे हमारे शिहाब भाई की वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि एक शख्स जो इतनी दूर से पैदल हज पर जा रहा है, उसको अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत है उसको अल्लाह ताला से, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग जो गलत रास्ता अपना रहे हैं, लोग भी उनको देख करके TRP के लिए और जो है ना अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए पैदल हज पे निकले हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे शिहाब भाई की ज़िंदगी पर और उनके फ़ैन्स पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कदम कोई भी मत उठाए जिसकी वजह से जो है ना हज एक मुबारक चीज़ है, जिसकी वजह से जो ना हज पर कोई आ जाए या जो है ना हमारे शिहाब भाई के ऊपर कोई आ जाए, यही आप लोगों से कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने चैनल पर प्लीज़ ये वीडियो को अपलोड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और गलत जो कर रहे हैं उससे रुके। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।